गुड आफ्टरनून बच्चों, आओ आज हम कक्षा पहली विषय गणित पाठ 10 धारिता के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे। आओ हम धारिता के विषय में समझते हैं। तो बच्चों, आप अपने दिन की शुरुआत किससे करते हैं? बिल्कुल, एक कप चाय से, है ना? और चाय के बाद जब हम खाना खाते हैं तब हम पानी किससे पीते हैं? तब हम गिलास का प्रयोग करते हैं। और गिलास के बाद यदि हमें कुछ दाल पीना हो, दही पीना हो या फिर और भी कुछ चीजें हमें लेनी हो, तब उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? कटोरी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यदि और भी अधिक मात्रा में हमें पानी की आवश्यकता है या और किसी चीज की आवश्यकता है, तब हम बड़े बर्तनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बाल्टी पानी भरने के लिए, है ना? जैसे ये है कटोरा। और भी किसी चीज के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग क्या बता सकते हो इन बर्तनों को देखकर कि किसमें ज्यादा आएगा, क्या ज्यादा आएगा? पानी। तो बच्चों, आपने देखा हम अलग अलग वक्त में अलग अलग बर्तनों का प्रयोग करते हैं, है ना? कभी छोटा कभी बड़ा। तो बच्चों, जिस बर्तन में जितना आता है वही उसकी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। और अलग अलग समय में हम अलग अलग धारिता वाले बर्तनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बाल्टी गिलास कटोरी कप, आपने देखा ना? तो चलो आओ अब हम तुलना करते हैं किसमें ज्यादा किसमें कम। तो बच्चों आओ हम तुलना करते हैं किस बर्तन में कितना पानी, ठीक है? तो हम तुलना करने के लिए बच्चों दो बर्तन ले रहे हैं, एक गिलास और दूसरी कटोरी। अब आओ देखते हैं कि किस बर्तन में ज्यादा पानी आएगा। हम इस कटोरी में पानी डाल रहे हैं, है ना? अब ये कटोरी भर गई, ठीक है? अब इस कटोरी के पानी को हम किस में डालेंगे? गिलास में। तो देखो बच्चों, इस कटोरी के पानी को हमने किस में डाल दिया? गिलास में। अब ये गिलास पूरा बिल्कुल नहीं भर पाया है। तो बच्चों, इस गिलास में हमने एक कटोरी पानी डाल दिया, है ना? लेकिन ये गिलास तो पूरा भरा ही नहीं, इसकी धारिता कैसे पता चलेगी? तो चलो इस गिलास में हम एक कटोरी पानी और डालते हैं। ये है एक कटोरी पानी, अब इसको हम गिलास में डालते हैं। तो बच्चों, अब ये गिलास पूरा भर चुका है, मतलब पहले हमने इसमें एक कटोरी पानी डाला था, अब इसमें हमने दूसरा कटोरी भी पानी डाल दिया और ये कटोरी भी पूरी खाली हो गई और ये गिलास पूरा भर गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो गिलास है इसकी धारिता दो कटोरी पानी के बराबर है। तो बच्चों चलो फिर से हम कोई और दो दूसरे बर्तन ले लेते हैं, है ना? एक गिलास और एक ये बड़ा सा कटोरा। अब देखते हैं कि ये जो बड़ा कटोरा है वह कितने गिलास पानी के बराबर है। तो बच्चों, इस बड़े कटोरे में कितना गिलास पानी आएगा, चलो आओ इसे हम करके देखते हैं। कैसे पता चलेगा? पहले इस गिलास को हम पूरा भर लेते हैं। ये पूरा एक गिलास पानी, ये गिलास पूरा भरा हुआ है। अब इस एक गिलास पानी को हम इस बड़े से कटोरे में डाल देते हैं। चलो डाल देते हैं भाई। लेकिन क्या हुआ? गिलास तो खाली हो गया, लेकिन ये बड़ा सा कटोरा नहीं भरा, अभी भी इसमें हमें पानी डालने की जरूरत है। चलो फिर से एक गिलास पानी हम और लेते हैं और इस कटोरे में डालते हैं। ये दूसरा गिलास पानी, इसे हम डाल देते हैं। अभी भी ये कटोरा नहीं भरा, अब हम फिर से एक गिलास पानी लेते हैं।
ये देखिए इसे हम फिर से डालते हैं। बच्चों आपने देखा यह जो कटोरा है इसमें कुल 3 गिलास पानी भर चुका है। तो बच्चों आपने देखा अब ये गिलास खाली हो चुका है और इस कटोरे में हमने 3 गिलास पानी डाल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम ये बता सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि ये जो बड़ा कटोरा है वो इस 3 गिलास के बराबर है। मतलब इस कटोरे की धारिता 3 गिलास पानी के बराबर है। चलो बच्चों अब हम इस बड़े कटोरी की धारिता इस छोटे कटोरी से मापते हैं, है ना, कि इस बड़े कटोरी में कितना कटोरी पानी आएगा। चलो इसमें हम पानी डालते जाते हैं कि ये कटोरी पूरा खाली होना चाहिए हर बार, है ना। एक, आप भी गिनो बच्चों, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो बच्चों आप इस कटोरी को देख रहे हो, यह पूरी खाली हो चुकी है ना। अब आप बता सकते हो कि इस बड़े कटोरे की धारिता कितनी है, इस बड़े कटोरी में कितना कटोरी पानी आया। बिल्कुल सही, 6 कटोरी पानी। मतलब इस बड़े कटोरे की धारिता 6 कटोरी पानी के बराबर है। तो बच्चों आपने यह अब सीख लिया है कि किस बर्तन में ज्यादा और किस बर्तन में कम। मतलब अब आप आसानी से ये बता सकते हो कि किस बर्तन की धारिता ज्यादा है, किस बर्तन की धारिता कम। तो चलो आओ बच्चों अब आप बताइए कि यहाँ पर ये 3 बर्तन रखे हुए हैं, ये कटोरा, ये गिलास और ये कटोरी। तो आप बच्चों आप बता सकते हो क्या कि इस कटोरे और गिलास में किस में ज्यादा आएगा। बिल्कुल सही, इस कटोरे में ज्यादा आएगा, इस कटोरे की धारिता गिलास से अधिक है। इसी प्रकार इस गिलास और इस कटोरी दोनों में से किस में ज्यादा आएगा आप बता सकते हो। बिल्कुल सही, गिलास, इस गिलास में ज्यादा आएगा। मतलब इस गिलास की धारिता इस कटोरी की धारिता से अधिक है। तो बच्चों आप इसी प्रकार से बता सकते हो कि किस बर्तन में कम आएगा, किस बर्तन की धारिता कम है। यहाँ पर एक गिलास और एक और गिलास, आपको 2 गिलास दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आप दोनों को देख करके बता सकते हो कि किसमें कम आएगा। बिल्कुल सही, ये गिलास जो छोटा सा दिखाई दे रहा है इसमें कम आएगा। मतलब इस गिलास की धारिता इस बड़े गिलास की धारिता से कम है। तो बच्चों आपने सीखा कि अलग अलग बर्तनों के आकार के हिसाब से उसकी धारिता अलग अलग होती है। तो आज हमने बर्तनों की धारिता का अध्ययन किया, बर्तनों की धारिता के विषय में हमने जाना कि किस बर्तन में कम आएगा, किस बर्तन में ज्यादा आएगा। आप भी अपने दोस्तों के साथ अपने घर में अलग अलग बर्तनों का प्रयोग करना और खेल खेल में तुलना करना सीखना, है ना। तो बच्चों अब हम अगली कक्षा में अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।